पुत्र आ गए, छा गए जी छा गए, हंदी पुत्र छा गए। एक बार फिर से छिड़ी सनातन पर तकरार, एक बार फिर से छिड़ी सनातन पर तकरार, एक बार फिर से छिड़ी सनातन पर तकरार, एक बार फिर से छिड़ी सनातन पर तकरार। हिंदू विरोधी खींच रहे हैं क्यों अपनी तलवार, कौन भक्त यहाँ पे, कौन है हिंदू विरोधी, कि भैया आप बताओ, कि चाचा आप बताओ। नमस्कार, स्वागत है आपका धरती पुत्र में। सभी धरती पुत्र और पुत्रियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए, ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सके। और देखिए, बागेश्वर बाबा को लेकर कहा गया है कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो भड़का रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बागेश्वर बाबा भड़का रहे हैं या विरोधी अपनी दुकान चला रहे हैं, और विरोधी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान में दरार हो जाए। इसी सवाल पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ तमाम ये धरती पुत्र और पुत्रियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसका जवाब देंगे कि आखिर देश में जो सवाल उठ रहे हैं बागेश्वर बाबा को लेकर, तो बागेश्वर बाबा के साथ कौन है और उनके खिलाफ बोलने वालों के साथ कौन है। हमारे साथ देखिए धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं से बात करेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम रोज शुरू करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं जनता के पास, क्योंकि ये जो मंच है ये किसका है, जनता का है, और जनता ही जनार्दन है, और जनता जो तय करती है वही इस कार्यक्रम में होता है। तो चंदन वाले भाई से शुरू करते हैं, लाल चंदन लगा कर आए हैं, बाबा पर बवाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं बाबा भड़का रहे हैं। देखिए, भड़काने वाला बात है ना, तो कभी जो साधु संत है ना हिंदू धर्म के, और धर्म गुरु, वो कभी भड़का सकते ही नहीं। भड़काने वाला हमेशा मौलाना रहता है, उसका हमेशा से गवाह है, मौलाना रहता है। अरे भाई साहब, ये तो भड़काने वाली बात हो गई। हाँ, आज जितना भी जेल में है शायद मेरे हिसाब से कोई मौलाना नहीं होगा। राम रहीम, आशा राम, कोई जेल में नहीं होगा। उस भाई को गलत फहमी है। क्या नाम है आपका? हम भारत, भारतवासी। हाँ, भारतवासी है, नाम नहीं बता रहे भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार जैन। अजय कुमार जैन जी, वो नाम नहीं बता रहे, आप अपना नाम क्यों बता रहे? आपने पूछा, मैंने बताया। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बाबा को लेकर क्या ख्याल है, क्या बाबा भड़का रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं तो बाबा? ठीक है, उनकी अपनी एक वो है, जो भी उनकी पावर्स हैं, वो अगर वो दिखा रहे हैं तो क्या दिक्कत है किसी? उनकी पावर है तो वो दिखाएं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या नाम है जी आपका? मुंह में क्या खाए हुए, कुछ दबाए हुए, गुटखा उटका दबाए होंगे? हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम जगवीर है। जगवीर, क्या लग रहा है, बाबा भड़का रहे हैं कि उनके विरोधी लोगों में अफवाह फैला रहे हैं? नहीं नहीं, वो भड़का नहीं रहे, उनपे शक्ति है। शक्ति है, आप इनमें से कोई करके दिखा दे। कोई इसमें से, इतनी जनता है उसमें करके दिखा दे, उनका नाम बता दे, उनका परिवार के बारे बता दे, तो उसको जाने हम। और ऐसे तो अब कोई बंदे खड़े यहाँ पे, हमें यहाँ पे बाबा भी हैं, हमारे मुल्ला जी भी आए हैं, सब लोग भी आए हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कोई पढ़ाई लिखाई से करो, वो करके दिखाओ ना। शाबाश कि कोई करके दिखा दे। अगर बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर रहे हो तो भैया करके दिखा दे। हाँ, आ रहा हूँ। क्या नाम है भाई? अमीश। कहाँ से आए आप? मैं डीयू में पढ़ता हूँ, रामजस कॉलेज में। डीयू में पढ़ने वाले छात्र है, डीयू में तो आज खूब बवाल हुआ है, लेकिन बाबा को लेकर जो बवाल चला वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और बाबा ने तो एक बात कह दिया भैया कि ऐसा है, अगर कायदे में रहोगे
फायदे में रहोगे, क्या कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब बाबा तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन विरोधी खूब हंगामा मचा रहे। नहीं, बाबा के कुछ भी पॉइंट बहुत सही है जो हाँ। अभी जो टाइम है हम लोग को rather than focusing on caste, हमें देखना चाहिए कि अपने हिंदू धर्म को एकता रखें और थोड़ा हिम्मत रखें कि उन्होंने कहा है भाला रखो तो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट में अच्छा है हाँ। ताकि हमारे धर्म में भी सब लोग साथ में रहे और एक सपोर्ट रहे। सब लोग साथ में रहे, जय बाबा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अरुण कुमार। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि देश में आजकल भड़का कौन रहा है? भड़काने वाले तो ये विपक्ष के ही लोग हैं। ये लोग ऐसे हैं, आप मैं इन मौलाना ये इन सर को बता देता हूँ कि ये इन्होंने ये मौलाना साहब जो जी हाँ। ये जो सर खड़े हैं साजिद रशीदी नाम है इनका। अच्छा जी जी हाँ। मैं ये इनको बता देता हूँ, जब देश में नारे लगते हैं कि ये इसमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नारे कौन से होते हैं? वो नारे कौन से होते हैं? लेकिन भाईचारा बना रहे ये ज्यादा अच्छी बात होती है। क्यों? भाईचारा जरूरी है कि नहीं है? भाईचारा बिल्कुल जरूरी है। भाईचारा जरूरी है, तो कुछ लोग हैं जो भाईचारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले तो मेरा नाम मोहम्मद बानिश है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, नेता कम नहीं थे कि बाबा भी घुस गए राजनीति में, ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। जो भी आप बोले क्या कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, ये बाबाओं के रहने की जरूरत है हाँ। क्यों अभी तक पीछे देख लो, जो जिनका नाम ऊपर था सब जेल में भरे बैठे हैं हाँ। आसाराम जैसा कहते थे कोई है ही नहीं हाँ। उनका बेटे जैसा कोई है ही नहीं हाँ। देखो क्या हाल है। ठीक हाँ। है ठीक है, लेकिन सब आसाराम हो जाएंगे ऐसा भी तो नहीं है क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा तो? हाँ आ रहा हूँ आपके पास, पहले नाम बताना। हाँ जी, ऐसा आसाराम अगर जेल चले गए तो सारे बाबा जेल चले जाएंगे? नहीं, सारे कैसे जाएंगे, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना हाँ। सब अलग अलग होते हैं। तो बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं उस पर विश्वास है? विश्वास भी है, लेकिन कुछ भक्त जो मतलब जो है बात फैला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके बारे में कमेंट आ रहे हैं, लाइक जो भी है मतलब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं उल्टा सीधा, सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा डाल रहे हैं भाई साहब। हाँ, हाथ उठा रहे हैं, कहिए। मैं सर इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बाबा आसाराम जी के बारे में कहा, और कितने मौलाना तो जेल के अंदर पड़े रेप के अंदर, वो नहीं दिखाई दिया इन्हें? कल हिंदू समाज आगे बढ़ता है तो इन जैसे बंदे उनकी टांग काटने के लिए इसके अंदर में आओ लैया करके, जो तीसरा धर्म में नाम तीसरा कर में आओ लैया कर करके हमारे हिंदू समाज को खत्म कर रहे हैं, धर्मपति वन चेंज कर रहे हैं, धर्म को चेंज करवा रहे हैं, उनके ऊपर भी तो देखना चाहिए। ठीक है, नाम आप बताओ पहले अपना, आप अपना नाम बताओ। अरे भैया हम बना हिंदुस्तानी हाँ। ये हिंदुस्तानी, ये भैया हिंदुस्तानी है, जो बात हिंदुस्तानी हम सब है। लेकिन जरा परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से, बड़ी दूर से आए हैं और वक्त निकाल कर आए हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, लेकिन जनता के पास पहले जाता हूं क्योंकि दो दिन यहां से हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, नोएडा से कार्यक्रम करना पड़ा था, लेकिन लौट आए हैं, अब यहीं से कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ देखिए राजकुमार शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, रोचिका अग्रवाल हैं प्रेसिडेंट विश्व सनातन हिंदू संघ के, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हैदर मुजीद मेवाती हैं पॉलिटिकल एनलिस्ट हैं। भाई साहब से शुरू कर लेते हैं, पॉलिटिकल एनलिस्ट वाले भाई साहब से थोड़े से अलग है ना, तो इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। भाई साहब आपका एनालिसिस क्या कहता है? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, इन मासूम जनता की आंखों में मुझे एक मंजर नजर आता है। बाबा हाँ, मुझे आपकी आंखों में एक मंजर नजर आता है हाँ। मुझे बागेश्वर धाम के बाबा जी के दिल में बहुत बड़ा खंजर नजर आता है हाँ। पहले बात सुनिएगा हाँ। ना ही हिंदू बुरा है ना ही मुसलमान बुरा है हाँ। जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। बाबा जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो मुल्क की बुनियाद रखी गई है, ये हिंदू ने मुसलमान ने सिख ने ईसाई ने प्यार और मोहब्बत पैदा करने के लिए अमन बनाने के लिए ये नींव डाली गई थी हाँ। ये नहीं कि बाबा जी कहेंगे भाला रख लो, देश में जंग की गतिविधियां जो पैदा कर रहे हैं हाँ। ऐसे बाबा पैदा कर रहे हैं। और मेरी बात सुनिएगा जरा हाँ। राम रहीम साहब जेल में हैं हाँ। आसाराम बापू जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब आसाराम जी के दर्शन करने जाते थे। मैं कहना चाहूंगा हाँ। अगर इस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ युवाएं हैं, युवाओं को रोजगार। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही भैया, इंसान हो इंसान रहना जरूरी है। क्या गुरुजी, एक बाबा जेल में तो क्या सारे बाबाओं पर आरोप लग जाएगा? आप पर भी कोई आरोप लगाएगा क्या?
देखिए विद्यानाथ जी, हमारे यहाँ संत की एक परंपरा है, साधु संतों को हम लोग अखाड़ा परिषद के द्वारा मान्यता देते हैं, उसे ही हम साधु संत मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सेल्फ मैन गॉडमैन बन जाते हैं, उसे हमारा जो वैदिक परंपरा है, जो साधु संतों की परंपरा है, उसे बाबा नहीं मानता। राम रहीम किसी भी अखाड़े से बाबा नहीं है, और अखाड़ा उनके नाम की घोषणा किया है कि ये किसी भी अखाड़ा से नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म से नहीं है। और राम रहीम इसमें हिंदू और मुसलमान दो नाम उन्होंने रखा है, इसलिए हमारा सनातन धर्म इन्हें बाबा नहीं मानता। रही बात आशा राम जी की, तो आशा राम जी भी सेल्फ गॉडमैन एज ए प्रवक्ता, एज ए कथावाचक रहे, और उन्हें हमारा सनातन धर्म जो 13 अखाड़ा परिषद है और 14वां एक नया अखाड़ा बना है, इन 14 अखाड़ा में कोई भी इसे मान्यता नहीं देता एज ए संत, मान्यता ही नहीं दिया। अब मन करे तो बाबा बन जाओ और गॉड बन जाओ, भगवान बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है मौलाना साहब? देखिए बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, पुजारी हैं, या उनको बाबा कहिए, कोई मुसलमान तो उनका विरोध नहीं कर रहा है, विरोध करने वाले सारे हिंदू हैं, जिन्होंने भी जो कुछ कहा है हिंदुओं ने कहा है। मुसलमान तो सिर्फ इतना कह रहा है कि देखिए संविधान के अकॉर्डिंग किसी आदमी को ये बात कहने की खुले मन से इजाजत नहीं है कि मैं इसको इस्लामिक देश बना लूंगा या इसको हिंदू देश बना लूंगा, किसी को संविधान के रहते हुए कहने की इजाजत नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आप बाबा हैं, आपको ये कहने की इजाजत मौलाना साहब फिर कहां से मिलती है कि फलाना आया मंदिर तोड़ गया, ये क्या, तो ये आपको कौन कहता है कि आप ऐसा कह दीजिए? ये तो आप ये हिस्ट्री है, तो आप ये भड़का नहीं रहे क्या लोगों को? ये तो हिस्ट्री, मैंने तो हिस्ट्री बयान, तो इस हिस्ट्री पर आपको गर्व होता है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं मुसलमान बना लूंगा सबको यहाँ, या सारे मंदिर तोड़ दूंगा आज ही, मैंने तो नहीं कहा। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना लूंगा, आप मुझे मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। आना साहब, आप ही का बयान है कि आने वाले भविष्य में राम मंदिर के बारे में आपने जो गलत बयान दिया है टीवी चैनलों पर, पूरी दुनिया जानती है आपके अंदर कितना जहर घुला हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। हिंदुत्व के खिलाफ आप बार बार, और राम मंदिर जो पूरी दुनिया के लिए सम्माननीय है, उसके खिलाफ आपने जितना आग उगला है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने न तो ये कहा कि आज मुसलमान उठ के उसको तोड़ दें, न ये कहा कि 100 साल के बाद उठ के उसको तोड़ दें। मैंने तो कहा कि ऐसी हिस्ट्री की बुनियाद डाल दी गई, 400 साल पहली वाली हिस्ट्री आज दोहराई गई, आज वाली हिस्ट्री आगे दोहराई जा सकती है। मैंने इसमें क्या, लेकिन बाबा अगर है तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्या बाबा के खिलाफ खड़ा होना एक ट्रेंड हो गया? ऐसा है कि जैसा इन्होंने बोला कि जो मंदिर का पुजारी है या बाबा है वो कोई ऑथोराइज प्रवक्ता नहीं है, वो सनातन धर्म का ऑथोराइज प्रवक्ता नहीं है। आप ये बताओ कितने मौलवी और कितने पादरी इन्हीं केसों के अंदर जेल के अंदर सड़ रहे हैं, परंतु उनका कोई नाम नहीं लेता, बस ब्रजेश्वर धाम और ये वो बाबा आसाराम, यही नाम इनके ध्यान में आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम इनको कहना चाह रहे हैं, वो जो काले कुर्ते वाले भैया वो कह रहे थे कि बाबा लोग जितना है सब जेल में गए, वो लोग भड़का रहे हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, वो जो उनके बगल में जो है मौलाना राशिद साहब, वो खुद ऐसा बोले हुए, उनके ऊपर केस भी चला था कि वो क्या बोलते हैं, राम मंदिर को डिमोलाइज करने की बात करते हैं, मुस्लिम में भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करते हैं, तो खराब करने वाले तो खुद है, खराब करने वाले खुद है, लेकिन ऐसे सब खराब करेंगे शास्त्री जी तो सब तो खराब ही हो जाएगा। मौका मिलना चाहिए भाई साहब, मौका मिलता नहीं है कि आ जाते हैं, अपना राजनीति भी करते हैं, अपनी दुकान भी चमकाते हैं, लेकिन शास्त्री जी ये चलेगा क्या? नहीं देखिए, ऐसा है कि मौलाना साहब ने जो बात कही, या तो इनको ज्ञान नहीं है या पर्दा डालना चाह रहे हैं। इनको मौलाना जर्जिस का नाम भूल गया, जो सड़ गया जेल के अंदर पढ़ करके, और उसका कहते हैं कि नाम बताइए। अरे नाम आपको मालूम नहीं है कि आपके खानदान का वो मौलाना जर्जिस सड़ गया, वहाँ कीड़े पड़ गए उसके शरीर में, और उसको आसाराम का नाम ले रही है, राम रहीम का नाम ले रही है। इस प्रकार से नहीं चलेगा देश में, आप खुद अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुनिए, जो बागेश्वर सरकार है वो बाबा नहीं है, वो बागेश्वर सरकार है, बाबा कहना भी गलत है। और उनको अष्ट सिद्धियों में महिमा नाम की सिद्धि है, महिमा नाम की सिद्धि का मतलब होता है जो बिना किसी व्यक्ति को देखे, बिना उसको जाने पहचाने, उसका नाम, उसका प्रभाव और उसका कर्म सब कुछ दूर से बता देता है, सब बता देता है, ये सिद्धि है। रंगरेज साहब देखिए, वो तंत्र मंत्र का जो वो अपना कारोबार कर रहे हैं, तंत्र नहीं है वो, सिद्धि है। अरे सिद्धि कुछ नहीं है, वो तंत्र मंत्र है, और जो वो कारोबार तो सिद्धि को तंत्र कहेंगे, आंधी भी झगड़ा करेंगे। कारोबार जो वो कर रहे हैं, लोगों को भयभीत कर रहे हैं, मैं उनके बयानों का खंडन
दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलेगा, आयन से चलेगा, ना कि आस्था से चलेगा। दूसरी बुनियादी बात कि मैं उनसे कहना चाहूंगा, उधर से बहुत शोर हो रहा है, उधर से बहुत शोर है, लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब जो अगरबत्ती की धूपबत्ती का राग बना के देते हैं तो वो अब अखंडी नहीं है। मैं इतने मौलावी को जानता हूँ कि जो ऐसे ही राग बना, जाओ जी तुम्हारा ये हो जाएगा, बतेरे देखे ऐसे तो मैंने। और हमारे पाखंड बाबा का नाम किस, आसा नाम एक आसान शब्द है, जिस नाम को आप ले रहे हो कहीं सालों से आसान शब्द बना लिया है आपने उसको। और आपका नाम जानना चाहूंगा सर, आपका नाम? हाँ, मैं साहब मौलाना साहब का नहीं, नहीं सर का नाम। हाँ, आपका नाम? हाँ, हैदर भाई, मेरा नाम सूरज है, राइट। मेरे को अपने आप में शक नहीं है, तो मैं बागेश्वर धाम में शक नहीं कर सकता। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, जो टोपी पहनी है आपने मेरे उत्तराखंड की है। रंगरेज साहब ने जो टोपी पहनी है ये उत्तराखंड की है, टोपी उत्तराखंड की। हाँ, मेरी देवभूमि में ऐसे ऐसे देवता है, ऐसे कई सारी चीजें होती है जिसमें मुझे गर्व महसूस होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है, मैं आंखों से देखी हुई चीजें मना। और बाबा क्या मतलब, बाबा 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 कर रहे हैं यार, बाबा का क्या मतलब है। हाँ, इधर से भी बहुत सारे कुछ नए नए लोग आ गए हैं, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, तैयार व्यार होकर आए हैं, कहीं और जाना है तो तैयार होके अपना थोड़ा सा धरती पुत्र का कार्यक्रम भी देख लीजिए। हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सुरजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव के। गुड़गांव के, हरियाणा के रहने वाले हैं, बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। जरा गुड़गांव के भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए, धरती पुत्र के लिए। हरियाणा के धरती पुत्र हुए आप हमारे। अब कहिए जी, ये बाबा पर इतना बवाल है, कह रहे हैं कि बाबा भड़का रहे, बाबा भड़का रहे कि कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे। जी, बाबा क्या भड़काएगा हिंदू को, तो प्रत्येक राजनीतिक दल ने गाली देकर अपमानित कर रखा है, इसलिए बाबा भी चाहते हैं कि हिंदू को जो अपमान कर रहे हैं प्रत्येक राजनीतिक दल, उस पैसे हमारा जो लांछन लग रहा है वह हटे, हम संगठित हों हर तरीके से। कभी पठान फिल्म को लेकर अपमानित किया जाता है, कभी किसी फिल्म को लेकर। और जिस प्रकार से शाहरुख खान ने, सुनिए, अपनी फिल्म में बोला आरती मत करो, बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको किसी ने नहीं बोला, केवल एक कपड़े के रंग को बोल दिया, वह गलत है। वह एक कपड़े के रंग कुछ नहीं है। हाँ। शाहरुख खान कहता है मेरे बाप की टीम है। आपने फिल्म देख ली क्या? मैंने नहीं देखी। हाँ। हमने तो बंद करा दी। हाँ। शाहरुख खान कहता है मेरे बाप की टीम है पाकिस्तान। शाहरुख खान कहता है कि आरती मत करो, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। हाँ। ये मतलब क्या है? हाँ, ये मतलब क्या है भाई साहब? कह रहे कि शाहरुख खान कहते हैं कि आरती मत करो, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन शाहरुख खान की बात कितने लोग मानेंगे? मानेंगे आप शाहरुख खान की बात? नहीं, ऐसे नहीं है? मानेंगे क्या? आरती कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। इधर से आवाज आ रही है, आरती कराएंगे। लेकिन रंगरेज साहब, मौलाना साहब, पहले उस बच्चे का जवाब दे दीजिए सवाल का। देखिए, मैं एक चीज बता दूं। हाँ। ये विषय नहीं है कि कौन आदमी रेप के अंदर जेल में है। हाँ। जो भी रेप करेगा वो तो जेल जाएगा, हिंदुस्तान का कानून है। अब उसमें ये कहना कि साहब मुसलमान फला जेल में, हिंदू फला, मैं समझता हूँ बेवकूफी है। असल बात यह है कि मुजरिम जो भी है वो जाएगा जेल में। हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं बागेश्वर धाम के सरकार को किसी ने इजाजत दे दी कि संविधान के खिलाफ ये कहे मैं बुलडोजर लेकर आऊंगा, पत्थर नवारने वालों पर बुलडोजर चलाऊंगा, ये कौन होते हैं? लेकिन बागेश्वर बाबा को भी या बागेश्वर सरकार को भी कोई कहे कि जान से मार दूंगा, ये अधिकार किसने किसको दे दिया? आ रहा हूं अंग्रेज भाई। देखिए, चक्कर ये है कि जो चादर फादर वाले जो थे ना, उनकी दैया मैया सब हो गई है। अब उन्हें ये फिक्र हो रही है कि हिंदू इतनी जल्दी बागेश्वर धाम सरकार ने संगठित कैसे कर दिया। ये अंधविश्वास की बात करते हैं, ताबीज और काले धागे तो यही बंधवाते हैं, और कौन बंधवाता है? ये लोग ही हैं जो राम मंदिर के खिलाफ उनको तोड़ने की बात करते हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताएंगे 15 करोड़ और 100 करोड़ का फर्क। तो भड़काना कौन करता है? भड़काने वाले लोग ये है, विपक्ष है, जो भारत जोड़ो की बात करते हैं और उनकी कांग्रेस खुद टूटती जा रही है। जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया है ना, वही चल रहे थे उन जनेऊ धारी। एक मिनट से मैं पूछ लेता हूँ कि कौन भड़का रहा है। भाई, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम अमन है, अमन शुक्ला। अमन, देखिए, नाम में ही शांति है। हाँ। नाम में ही शांति है। जरा जोरदार ताली बजाओ भाई, हमारे अमन भाई के लिए ताली बजाओ। अमन धरती पुत्र है हमारे। हाँ, थैंक यू सो मच। बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं होता आप लोगों से, क्वेश्चन तो इन लोगों से होता है। लेकिन बाबा क्या भड़का रहे, क्या बागेश्वर सरकार भड़का रहे? बाबा बाबा से ऊपर उठ जाना चाहिए मुझे लगता है जनता को। हाँ। दुनिया कहाँ जा रही है, 21वीं सदी में जा रही है, 22वीं सदी की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ। ये कहाँ अटके हुए हैं आप लोग? कहाँ अटके हुए हैं यहाँ वहाँ? हाँ जी, क्या भाई से पूछ ले, परेशान है?
बिल्कुल परेशान परेशान है नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं परेशान। लोगों ने मुद्दे ऐसे बना रखे हैं। अब भाई साहब ने पठान मूवी का बोला, ठीक है, पठान मूवी रंग के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही इनको पठान मूवी जो रंग पहना गया उस रंग पे एतराज है या मुसलमान वो हीरो है उस पे एतराज है। क्योंकि इससे पहले मूवी आई थी भूल भुलैया अक्षय कुमार की, उसके अंदर भी वही रंग पहना गया था और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कपड़े के ऊपर भूल भुलैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तबनी तब मुंह में दही जमा के रखा था इन्होंने। ठीक है, नाराजगी क्या पाकिस्तान को 100-100 करोड़ रुपया देता है, भारत की गरीब जनता को पैसा देता तो उसके सम्मान होता, उसने पाकिस्तान की जनता जो हमारा खून पी रही है उसे 100-100 करोड़ रुपया देता है तो देश का। जो बात करे कि पाकिस्तान पैसा देता है, अब किसको देता है, कहाँ देता है, हमको पता नहीं, जोर से आवाज लगा रहा है। हाँ, ये लोग सर भाई भाई की बात करते हैं। इतने धर्म के लोग यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको ही खाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये लोग भड़काते हैं जब इनका कुछ वो नहीं होता। पूरे दिन मैंने मीडिया में भी देखा, दिन दहाड़े धमकी देते हैं, धमकी देते हैं, भड़काते हैं, ये जनता जानती है। भगवान कहाँ है तू? और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भगवान कहाँ है तू, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ बाबाओं पर उठा रहे हैं, तो सनातन धर्म को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, सवाल ये है कि भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, और इसी का जवाब हम जनता से लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? शरद। कहाँ के रहने वाले? कश्मीर। कश्मीर के रहने वाले हैं भाई साहब। कश्मीर से हमारे भाई साहब आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए हमारे धरती पुत्र के लिए। भाई बताओ, क्या लग रहा है कि ये तोड़ने फोड़ने भड़काने का काम चल रहा है क्या? मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इन सब चीजों में रहते ही नहीं है, इनको मालूम नहीं है, ये कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है जी? तब से फोटो बनाए जा रहे, कितनी फोटो खींच लिए? फोटो नहीं खींचे, वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे, हमारा वीडियो बना रहे हैं जी जी। फिर क्या करना है स्टूडियो का? नहीं, हम लोग नेपाल से आए हुए यहाँ घूमने के लिए, तो मतलब ये देखिए प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा, नेपाल से आए हैं भाई साहब? बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से आए हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है हिंदुस्तान? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नेपाल ज्यादा अच्छा है कि हिंदुस्तान अच्छा है? नेपाल दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है भाई, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये देखिए भाई साहब हाथ उठा रहे हैं लेकिन बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। मैं उधर कोने में खड़ा हूँ तब भी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे यही कहना है कि मैं सुमंतोष तिवारी और मतलब मुझे यही कहना है कि जो सनातन के ऊपर जवाब उठाते हैं वो इतिहास उठा के देख ले, इस धरती से है ना सिकंदर भी वापस गया खाली हाथ। ये वही धरती है जहाँ से सिकंदर भी खाली हाथ गया है, यहाँ से सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, सिकंदर आया था हिंदुस्तान में। क्या जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। दो दिन हम लोग नहीं आ पाए यहाँ पर, बंद था सब कुछ, तभी अच्छा नहीं लग रहा था। आपके आने से आपको मिस करा दो दिन, तो उसकी भरपाई आज हो जाएगी। आज भरपाई हो जाएगी, तो क्या कहने वाले हैं आज आप? देखिए, आज मैं कहने वाला हूँ कि देखिए, एक कभी कहते थे पहले कि आडंबर हो रहा है, अब जब आडंबर के अगेंस्ट आडंबर आ गया तो इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो विरोध में आ गए। तो कहने का मतलब, अगर तुम कहो पत्थर है, हम कहे पत्थर नहीं है, तो तब विरोध कैसा कैसा विरोध? हाँ जी सर, आप कह रहे हैं भगवान, भगवान तो हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ भी देखो भगवान हर जगह है, उनके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी जो ब्लेम करने वाले लोग हैं ना, पहले वो अपने ग्रीवान में झाकर के देख लें कि उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो भगवान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं ना, उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं बचेगा। देखिए अभी कोविड जो आया, कोविड का प्रकोप आया, लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन कोविड जैसा प्रकोप जो आया, अभी पूरी धरती हिल गई थी एक तरीके से, धरती हिल गई थी भाई साहब। और जो बात की कण कण में ईश्वर है। क्या जी,
फिर से चश्मा लगा के है? वो भी रात को। रात में दिखता कैसे भाई काले चश्मे में? मस्त दिखता, सब काला काला दिखता होगा, मस्त दिखता है। क्या मस्त दिखता है? एकदम बोले तो झकास झकास। और कुछ बात भी कहिए झकास। भगवान ऐसे तोड़ने उड़ने वाली नहीं, भड़काने वाली नहीं, एकदम झकास झकास। भगवान मैं तो खैर उत्तराखंड देव भूमि से हूँ, जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ अगर भगवान तो है ही है, जहाँ भगवान, भगवान पर किसी को शक नहीं है, लेकिन ये बागेश्वर सरकार भड़का रहे हैं कि बाकी लोग उनके नाम पर भड़का रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या जी? मैं तो उड़ीसा से आया हूँ। आप उड़ीसा से आए? तो उड़ीसा भी बहुत दूर नहीं है, यही है, अपने देश में ही है। तो ये सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा को? मैं तो नहीं सुना हूँ अभी, अभी तक नहीं सुने भाई, उड़ीसा तक बात ही नहीं पहुंची है। देख लीजिए रंगरेजी इतना हल्ला हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उड़ीसा वाले भाई साहब आए कह रहे हैं वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुंची। बिल्कुल बढ़िया बात है जो वहाँ तक नहीं बात पहुंची, क्योंकि ये धाम तक ही बात रहे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये नफरती जो बयानबाजी जो कर रहे हैं बाबा साहब, उनसे मेरा अनुरोध उनसे है कि वो अपने जो है जो अपना जो कार्य कर रहे हैं। बाबा कैसे नफरती बयान कर रहे हैं? देखिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये देश, उन्होंने एक बात और कही जिसको आप स्किप कर दे रहे हैं बड़ी चालाकी से, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं और लोग चाहते हैं तो मैं साथ खड़ा। देखिए वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस के विचारक जो हैं, इंद्रेश कुमार जी ने भी उनका समर्थन किया और कई सारे बाबा और भी समर्थन कर रहे हैं उनकी बात। कौन सी पार्टी विरोध कर रही है सर? रंगरेज भाई जरा कौन सी पार्टी विरोध कर रही है जरा मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि बाबा में भैया सबको दिखता है कि वोट बैंक है भैया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव है भैया जी, उसको भुनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। विरोध कौन पार्टी का नेता कर रहा है? विरोध तो हम सब लोग करते रहे हैं, विरोध कैसे विरोध चाहते हैं? पार्टी के रोड पर आके विरोध करेगा? आपने कहा कि बीजेपी का एजेंडा, उनका विरोध संविधान ही कर रहा है, देश का कानून उनका विरोध करता है उनके बयान का। एक सेकंड, ये मुल्क बाबाओं से नहीं चलेगा, ये मुल्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और हिंदू और मुसलमान ने आज ये युवाएं जो दर दर की ठोकरें खा रहे, देश को बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, ये कफन चोर देखो कफन बेचते हैं, ये अनजाने माली चमन बेचते हैं, और बनाया तो जिनको हमने वतन का मसीहा, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। आज देश का युवाएं दर दर की ठोकर खा रहे। आप हिंदू और मुसलमान में इसको डाइवर्ट मत करिए। आज यहाँ रोजगार की बात करिए, विजय माल्या कहाँ चला गया? जैसे आसाराम बापू जेल में है, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी बहुत जल्दी पैसा। चलिए लेकिन इनके लिए ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया भाषण दिया इन्होंने। देखिए देश में विकास हो रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा है। आज चाइना तक हमारा पुल बन करके तैयार हो गया, या इन्हें नहीं दिख रहा है? आज देश में विमान का निर्माण हो रहा है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हम इन्हें हमेशा भाई मानते रहे, हमें भाईचारा बना करके चारा बना लें। हम इन्हें हमेशा भाई मानते हैं और ये भाईचारा के नाम पर हमें चारा बनाते रहे तो खुश, मीठा तो गप गप, तीता तो थू। आज देश में जिस तरह बातें हो रही है वह सनातन की बातें हो रही है। यह देश सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है, और सनातन की बात हमेशा होता रहेगा। ठीक है रोचिका, वो अगर ये कहते हैं कि सब लोग सनातनी साथ आ जाओ और हम फिर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये भी तो हमारे हमें सुनने को मिलता है कि हिजाब वाली कभी कभी ना कभी प्रधानमंत्री बनेगी। प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहते हो आप हिजाब वाली को, तो उसके बाद क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान आपको, आप लोगों को धर्म के बदले में दिया गया था एक पाकिस्तान, और आज आप आके यहाँ पर वोट। सर मैं इनको कहना चाहूंगा जो प्रवक्ता ने अभी बात किया, सर उन्होंने बोला कि ये देश क्या बाबाओं से चलेगा? इस देश को सबसे बढ़िया बाबा योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, और वो सबसे बढ़िया चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने बोला एक सेकंड, इन्होंने बोला क्या दर दर की ठोकर खा रहे युवा है? भैया अगर आप दर दर की ठोकर खा रहे हो, एक बार बाबा की दरबार में चले जाओ, जिंदगी भर के लिए ठोकर नहीं खाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये बंदा बोल रहा है कि सब कुछ बेच दिया। क्या बेच दिया? तू मौजूद था क्या वहाँ पे? देखा कुने? हैं? 2004 से पहले कोई आईपीएस आईएएस बन गया था क्या? आर्मी में कोई मेजर या कैप्टन बन गया था, या कंपनी में मैनेजर सुपरवाइजर बन गया था? कि भैया 2014 से पहले जिसको बनना था वो बन रहा था, और
2014 के बाद ही बन रहा है। आज देख लीजिए, जैसे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वो महिला अगर बोल रही है ना, तो इनका अधिकार मनुस्मृति से नहीं, इस देश के संविधान ने दिया है, नहीं तो वो अपने घर में चूल्हा चौका और कुछ कर रही होती, यहाँ पर इस मंच में आके साथ खड़ी नहीं होती। ये इनको ये नहीं पता 1854 में ब्रिटिश यहाँ के ब्रिटिश संसद को उसी अंग्रेजों ने यह कहा था कि भारत की 97% जनसंख्या पड़ी हुई है। अरे अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, देश को बाबा जी से अच्छा कोई नहीं चला सकता। किससे अच्छा नहीं चला सकता? योगी आदित्यनाथ से अच्छा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा नहीं चला। सर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ब्लैक कुर्ते वाले जो है उन्होंने ये बोला था भीमराव अम्बेडकर के उस पर चलता है, सारे बेरोजगार है, जितने यहाँ खड़े हैं सबके पर्स देख लो 500 का नोट होगा, होगा। अरे भाई साहब सबकी जेब में 500 का नोट है, भाई कह रहे बेरोजगार कोई नहीं, हैदर साहब को जवाब दे रहे हैं। बेरोजगार कौन है और ये कह रहे हैं कि बाबा से देश नहीं चलता, ठीक है। सर एक बात बताइए, बाबा से देश नहीं, उन्होंने इनका क्या बिगाड़ दिया? पॉइंट यहाँ है, कल परसों ही मॉमडन लेडी ने हिंदू में कन्वर्ट हुई, इसीलिए ये लोग परेशान हो रहे हैं। क्या इसलिए परेशान हो रहे भाई साहब? क्योंकि घर वापसी हो रही है इसलिए परेशानी बढ़ गई है क्या? देखिए आज मैं जिनके पास नहीं आ आ गए हैं तो हम भी आपके पास आए। मैं काशी से आया हूँ, वाराणसी से। काशी से, काशी वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, काशी वाले धरती पुत्र के लिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले पेट्रोल भी सस्ता था और रिफाइंड तेल भी सस्ता था, आज की डेट में क्यों नहीं सस्ता है? मैं ये बोल रहा हूँ 2014 के बाद तनख्वाह कितनी हो गई, ये भी तो देखो ना। देखो जल्दी से, जल्दी से सर। अब देखिए राहत इंदौरी ने एक बात कही थी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बढ़िया, और हिंदुस्तान सभी का है। जी गुरुजी, यह देश साधु संतों का है, सनातनों का है, और इस देश में जितने लोग रहते हैं चाहे कोई भी हो, पहले सनातनी है बाद में अलग अलग पंथ के। ठीक है, एक लाइन शास्त्री जी। देखिए एक मैं बताता हूँ, बजरंग बली का नारा है सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जय बात। और कार्यक्रम आज यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, वक्त नहीं बचा है, जिनके पास नहीं आ पाया उनसे मैं माफी चाहता हूँ, कल जरूर आऊंगा। लेकिन चलते चलते जोगीराज जनता के पास, जो यत्र तत्र सर्वत्र है वही तो धरती पुत्र है, पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में।